अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नवे देसी ब्लॉग के नाल मैं हाँ सफर आया। और जो चीज़ तुसी मेरे हाथ में देख रहे हो ये भी कलर माइक बोया दा, एक साल तो मैं यूज़ कर रहा हाँ। तकरीबन मैं काफ़ी ज़्यादा प्रैंक बनाए ने, वीडियो बनाई है इस माइक पर, लेकिन इसकी केबल डैमेज हो चुकी है। तो वो केबल लोकल दो चार बार लै चुका हाँ, लेकिन नहीं कुछ प्या कुछ समझ नहीं आ रही। बाकी मैं एक दोस्त को जा रहा हाँ जरा इस जानता बुझदा, तो कोशिश करांगा कि उनके को ठीक हो जाए। अगर हो गया तो ठीक, ना होया तो लाहौर सीधा इसनों सैट करवा के आवेंगे और कुछ थोड़ा जो नवा समान लाँगे। तो मेरा नाल रहना, उम्मीद करना वा इधर तुम्हें ब्लॉग पसंद आएगा। मोटरसाइकिल पेंचर हुए सी, पेंचर लगा आए हैं तो पता चलिया एक टूटी लै गई है। इसकी नवी पानी पैनी है ट्यूब। खैर नाल पिंड तक इस तरह ही जाना पैना क्योंकि ट्यूब नहीं इतों ली। वन मिनट इतनी रुको भाई जी, बस हेलो भाई। रन रोड पे तशरीफ लंघ जाओ भाई, तशरीफ की इस वक्त बहजा बहजा हो गई है यार। कैमरा मार्केट तो नहीं कम बनया, इतने आया मैं हाल रोड, इतों जो बन गया कम भाई ठीक हो गया। तो सलाम वालेकुम, क्या हाल भाई? ठीक है यार। बोया का माइक मिल जाएगा आपके पास? मिल जाएगा सर, चेक कराएं। और प्राइस सर जी क्या है? प्राइस आपको बेस्ट ही देंगे सर, वे बेहतर है। फाइनली लाहौर तो शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, काफ़ी चीज़ा ने वो जाके पिंड दिखावे। ड्रोन की कुछ चीज़ा हैं, थोड़ी सैटिंग कराई, वो सैटिंग कराई है। तो जिस बंद को सैटिंग कराई वो कह रहे थे कि तेरा प्रोपेलर उड्डन वाला एक, यानी तेरा एक पर टुट सकता किसी वेले भी, इस तो बेहतर है इसमें जल्दी तो जल्दी रिप्लेस कर लै। तो वह पर भी ही लैन लगा वा। तो खैर तो दोस्तों फाइनली मैं घर पहुँच चुका वा, तो जी सब तो जरूरी चीज़ लैके आया वा वो मैं थोड़े ना रिवील करना वा। सब तो पहली चीज़ है, नज़र आया यानी इंदे उत्ते लगने वाली लाइट लैके आया वा जो चार्जेबल है। दो ढाई घंटे के बखोल उस दिख कट जाती से, हूँ पता नहीं चार्ज करांगे पता लग जाएगा। सब तो फस्ट चीज़ यह लैके आया वा। सैकंड मेरे हाथ जी ग्रीला ट्राईपोड। पहला मेरा जो ट्राईपोड से वह काफ़ी लंबा सी, जिथे भी लैके जाता वक्री एक चुकया हों, 5 किलो का एक लंबा सारा। तो यह छोटी जी चीज़ है ये हाथ से, मतलब ब्लॉगिंग करने वास्ते बेहतरीन है। तो ग्रीला ट्राईपोड लिया। नंबर 3 जी मेरे हाथ चीज़ है वो लिया बोया दा माइक MM1। एबिलिटी टैप की बनी होंगी है, तो इस टाइम मैं इसनों यूज़ करके तुम्हें दिखावगा कि वॉइस कि फर्क पैंदा। इसका ज़्यादातर काम है जो मैं खेतों जाना वा उ हवा चलती होंगी, खड़खड़ की आवाज़ होंगी, तो वह खड़खड़ की आवाज़ ख़त्म करेगा। यह चीज़ दूसरी लाहौरों लैके आया वा। अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो बगैर माइक के हैं, और जस्ट वन मिनट ये लग गया ये। और अब जो मैं बोल रहा हूँ वो बहुत तेज़ हवा चल रही है, लेकिन आपको जो मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर साफ सुनाई दे रही है, तो इसके पीछे है ये माइक, ये बिल्ली टाइप का माइक। तो इसकी कीमत होती है 2200-2300 से शुरू होकर 3000 तक, मतलब लगी फब्बी दुकानदार लगा लेते हैं। इस तो जी बाद चीज़ लैके आया मैं तकरीबन 300 रुपए का लिया सी, अल्लाह झूठ ना बुलवाए कि 250 का या 300 का, हाँ इन्ने कुदा लिया सी। ये मैं लिया सी मोबाइल उत्ते लाने वास्ते, क्योंकि अक्सर इंज हुंदा है कि किसी जगह पर कैमरा नहीं लैके जाया हुंदा, ते आ छोटी जी चीज़ है जेब पाई कैमरा नाल मोबाइल लिया तो अपना वीडियो बना ली। तो दोस्तों जो चौथी चीज़ लेके आया हूँ वो है ये मेरे ड्रोन की, ये पर ये अगर करीब से नज़र आ रहा है, ये देखिए एक है, दूसरा इसका टूट चुका है। इसके लिए ये मैं लेके आया हूँ चारों के चारों। तो ये मेड इन चाइना है, ओरिजिनल नहीं है इसके।
तो ये मुझे 2400 रुपये के मिले हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की शॉपिंग पसंद आई होगी। ये शॉपिंग थी मेरी व्लॉग की, मतलब जो आने वाले व्लॉग हैं उनमें ये अंदर असरअंदाज होगी। हर चीज़ जो भी मुझे खामियाँ लगती थी वो मैंने सेटिंग की है। बाकी जो प्रैंक नहीं आ रहे थे वो मेरे माइक की वजह से, वो माइक भी ठीक होके आ गया, तो प्रैंक भी आएंगे और व्लॉग भी आएंगे। और इसी तरह मेरे साथ रहिए। अगर वीडियो पसंद आई है, फर्स्ट टाइम आए हो, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। और अगर ये शक्ल बिल्कुल ही पहली दफ़ा देख रहे हो और अंदाज़ा ही नहीं है ये बंदा क्या करता है, तो मैं प्रैंक भी बनाता हूँ, तो मेरा प्रैंक चैनल है गुजरांवाला बॉय, तो गुजरांवाला बॉय को भी सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नई वीडियो में। बाय बाय।